Hello students, how are you all? Students, as we have completed our first lesson of the first flight, a letter to God, now we are going to do the first lesson of your book, Footprints Without Feet, A Triumph of Surgery. Students, ये जो चैप्टर है, it is written by James Herriot. सबसे पहले हमें अगर इस लेसन के टाइटल का मतलब पता होगा, तो हमें ये लेसन समझ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. स्टूडेंट्स, ट्राइम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री, और सर्जरी का मतलब यहाँ पे है हॉस्पिटल, वो वाला हॉस्पिटल जो एनिमल्स के लिए है, पशुओं के लिए है, जानवरों के लिए है. तो यानी कि एक वेटरनरी हॉस्पिटल, एक जानवरों के हॉस्पिटल की जीत. हम लेसन पढ़ना शुरू करते हैं. ट्रिकी इज अ स्मॉल डॉग, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी जो कि एक डॉग है, उसकी जो मिस्ट्रेस है यानी जो उसकी मालकिन है, वो अमीर है, उसने उसको पैम्पर करके रखा है, यानी उसको बहुत अधिक प्यार दिया है, उसको खाने को दिया है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है और उसको ओवरफेड करती है और उसको जरूरत से ज़्यादा खिलाती है. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. वो seriously बीमार पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत बीमार हो जाता है, और उसकी mistress है जो मालकिन है, वो एक डॉक्टर को कंसल्ट करती है जो कि veterinary डॉक्टर है, veterinary surgeon है. Does he perform an operation? क्या वो कोई operation करता है? या does the dog recover? क्या dog recover करता है? तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि इसमें एक डॉग है, उसका नाम ट्रिकी है. तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. ये जो जिन्होंने लेसन लिखा है, जेम्स हैरियट, वो कहते हैं कि जब मैंने वो ही इज़ ए डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, वो कहता है कि जब हम मैंने ट्रिकी को देखा तो मैं उसको देखकर चिंता में पड़ गया, वरीड हो गया, चिंता में पड़ गया. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसको उसकी मिस्ट्रेस के साथ, उसकी मालकिन के साथ गली में देखा. एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान रह गया एट हिज अपीयरेंस. मैं उसकी अपीयरेंस को देखकर, उसकी शक्ल को देखकर, उसकी बॉडी को देखकर मैं हैरान हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत बड़ा हो गया था, मोटा हो गया था, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज. स्टूडेंट्स, ब्लॉटेड होता है फूला हुआ, और सॉसेज मीन्स कोई लिफाफे के अंदर जैसे मीट पड़ा हो और वो फूला हुआ हो. सॉसेज मतलब वो मीट जो किसी लिफाफे के अंदर पड़ा हो और फूला हुआ हो, ऐसा वो नजर आ रहा था. विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, और ऐसे लग रहा था कि हर एक कॉर्नर में एक लात लगी हुई है, यानी वो इतना फूल गया था, इतना मोटा हो गया था कि उसकी लेग्स अलग से नजर आ रही थी और जो बॉडी थी उसमें उसके मुकाबले लेग्स बहुत छोटी नजर आ रही थी. हिज आईज ब्लड शॉर्ट एंड यूमी, उसकी आईज ऐसे लग रही थी जैसे खून उतर आया हो उसमें. यूमी का मतलब यहाँ पे है कि जब कोई बीमार हो जाता है तो उसकी आईज में से और नाक में से एक थिक सब्सटेंस निकलता है, यानी कि पानी निकलता है, उस तरह से डॉग नजर आ रहा था, उसकी आंखों में से और नाक में से पानी बह रहा था. स्टेट स्ट्रेट हेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, उसने सामने मेरी तरफ देखा और मुझे, मैं देखा कि उसकी टंग, उसकी जो जीभ है वो उसके जबड़ों में से बाहर लटक रही है. Mrs. Pumphrey hastened to explain. Mrs. Pumphrey ने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया. He was so listless. वो बहुत ही ज़्यादा motionless है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है. Mr. Herriot, he seemed to have no energy. उसमें लगता है कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है. I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लगा कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है, यानी इसको खाने को अच्छा नहीं मिल रहा. Malnutrition मतलब कुपोषण. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो कहती है कि मैं उनको, उसको खाने के बीच में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रही थी ताकि वो ताकतवर हो जाए, बिल्डअप हो जाए, तगड़ा हो जाए. तो मैंने इसको क्या कह दिया है, मिसिस बम्फ्री कहती है, सम माल्ट, मैंने इसको माल्ट दिया, एंड कोल्ड लीवर ऑयल दिया, मछली के का लीवर ऑयल दिया मैंने, बॉल ऑफ फोर लेग्स दिया नाइट को, नाइट में, ताकि वो सो सके. नथिंग मच रियली. तो
मिसेस पम्फ्री कहती है कि मैंने इसको ज़्यादा कुछ नहीं दिया, मैंने क्या दिया, खाना तो दे ही रही हूँ, साथ में मैंने माल्ट दिया, कोड लीवर ऑयल दिया, यानी मछली के लीवर का ऑयल दिया, हॉर्लिक्स दिया ताकि वो सो सके। एंड डिड यू कट डाउन द ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। इतने में डॉक्टर हैरियट कहते हैं, जिन्होंने ये लेसन भी लिखा है, मैं दोबारा बता दूँ आपको, कि क्या मैंने आपको कहा था कि इसको मीठी चीज़ें नहीं देनी, बंद की आपने? ओह आई डिड फॉर ए बिट। तो मिसिस पम्फ्री कहती है कि मैंने थोड़े टाइम के लिए बंद की थी, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। कहती है कि मैंने थोड़ी देर के लिए बंद तो किया था उसको खिलाना, लेकिन मैंने देखा कि वो कमज़ोर है तो मैंने उसको मीठी चीज़ें देनी शुरू कर दी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। कहती है वो क्रीम केक पसंद करता है, चॉकलेट पसंद करता है। सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। तो मैं सहन नहीं कर सकती कि मैं उसको मना कर दूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। डॉक्टर हैरिट ने एक बार फिर देखा डॉग को। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। तो डॉक्टर कहते हैं कि ट्रिकी को वो पहले से ट्रीट करता है, ट्रिकी का तो वो डॉक्टर है, ट्रिकी को देखता है पहले से। कहते हैं उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि उसकी भूख ज़्यादा लगती है उसको। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। उसको कभी नहीं किसी ने देखा कि खाने को मना करता हो। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। कहते हैं खाना उसको कभी भी दे दो उसको वो टैकल कर देते हैं, यानी उसको टैकल कर लेता है, यानी उसको खा लेता है, चाहे रात को दो चाहे दिन को दो, किसी समय दे दो वो खा लेगा। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्री हैडंट मेंशन। और मैं सोच रहा था कि मिसिस पम्फ्री ने तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं, क्या पता उसने बाकी चीज़ों के बारे में बताया कि नहीं, सच बताया है कि नहीं। स्टूडेंट्स थोड़ा मैं फिर रिवाइज कर दूँ थोड़ा सा, कि डॉक्टर जेम्स हैरियट जो वेटनरी डॉक्टर हैं, वो उन्होंने खुद ही लेसन लिखा है, एक करेक्टर तो ये हो गया। और मिसिस पम्फ्री एक रिच मिस्ट्रेस है, रिच लेडी है जो, और उसने डॉग रखा हुआ है जिसका नाम ट्रिकी है, वो ट्रिकी को बहुत प्यार करती है और उसको उसको पैम्पर करती है, अपने बच्चों की तरह उसको प्यार करती है, और डॉक्टर से भी वो बात कर रही है। तो डॉक्टर ने आगे क्या पूछा, डॉक्टर हैरियट ने, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम्हें उसको एक्सरसाइज करा रही हो? वेल ही हैज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी। हाँ मैं करवा रही हूँ, जैसा आप देख ही रहे हो कि वो मेरे साथ अभी वॉक कर रहा है। बट हॉटकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबेगो। तो कहती है परंतु जो हमारा एक गार्डनर है, माली है, ये उसके साथ खेलता था, उस वो अभी बीमार है, लंबेगो हो रखा है उसको, यानी कि लंबर जो, यानी कि जो उसकी रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द है, इस करके वो अभी आ नहीं रहा। सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो कहता है कि रिंग थ्रोइंग की तो कोई ये गेम खेल ही नहीं रहा, क्योंकि वो गार्डनर ही इसको, गार्डनर जो माली था वो उसको खिलाता था, अभी ये कोई भी गेम नहीं खेल रहा। स्टूडेंट जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर जेम्स हैरिट, इन्होंने खुद ये लेसन लिखा है, अपना एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है इसके अंदर। और ये मिसिस पम्फ्री है, और आप डॉग को देख सकते हैं, ट्रिकी को, कितना हैवी और हेल्दी हो गया है। और देखिए इसकी सिर्फ लेग्स कितनी से मैच ही नहीं कर रही, कितनी बॉडी उसकी ब्लोटेड हो गई है, ब्लोट मतलब फूल गई है, और कैसे उसकी जीभ बाहर निकल रही है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। कहता है मैंने गुस्सा दिखाने की कोशिश की, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर पहले से ट्रीट करता आ रहा है ट्रिकी को। कहता है मैंने गुस्से से बोलने की कोशिश की, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। तो डॉक्टर जेम्स हैरियट कहते हैं कि अगर आपने इसको अभी नहीं एक्सरसाइज दी और खाना कम नहीं किया तो वो बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, जो आप इसको एक्स्ट्रा चीज़ें खिला रही हैं वो आपको रोकनी पड़ेंगी। मिसिस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, ओह आई विल। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट्स सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। मिसिस पम्फ्री थोड़ी घबराई, उसने कहा कि जो आप कह रहे हो है तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है काम करना, उसको खाना कम देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज शी इज डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजाइन इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली। तो मिस्टर हैरियट देखते हैं उसको कि वो अपने बाजू ऐसे नीचे करके चली जाती है दूसरी तरफ को, और देखने में ऐसे लगता है कि वो जो नया उसको बताया गया है टाइम कि कैसे खाना देना है उसको, एक्सरसाइज करानी है, वो मान लेगी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टोटलिंग अलोंग
इन हिज लिटिल ट्वीट कॉल्ड, तो कहता है कि मैंने उनकी प्रोग्रेस बड़े ध्यान से देखी भी ट्रिकी कैसा है. एंड ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कॉल्ड, ही हैड अ होल वर्ल्ड ऑफ बीच कॉर्ड. तो कहता है कि कॉर्ड ट्रिकी का हालत है वो खराब होती जा रही थी और उसका एक पूरा वार्डरोब था, कपड़ों की कलेक्शन थी पूरी, फॉर कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर ए वेट डेज. उसके ठंडे दिनों मौसम के लिए अलग कपड़े थे और बारिश के लिए रेनकोट अलग से अवेलेबल था. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, उसको हार्नेस के साथ जिस रस्सी से बांधा जाता था उसके साथ चलना भी मुश्किल हो रहा था. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पंपरी. तो डॉक्टर हैरिड कहते हैं मुझे पक्का पता है भी जल्दी ही वो मुझे कॉल करेगी क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है, ट्रिकी की हालत ठीक नहीं है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कहता मिस डॉक्टर हैरिड को पता था कि वो कॉल जरूर करेगी, इतने में कॉल आ ही गई. मिसिज पंफ्री वाज डिस्टर्ब, मिसिज पंफ्री परेशान हो गई. ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड पॉट्स ऑफ वॉमिटिंग. तो मिसिज पंफ्री ने क्या बताया कि वो कुछ खा नहीं रहा, अपने फेवरेट जो खाने हैं पसंदीदा खाने हैं वो भी नहीं खा रहा और वो थोड़ी तो बॉट्स थोड़ी थोड़ी देर बाद वॉमिट कर रहा है, उल्टियां कर वॉमिटिंग मतलब उल्टियां कर रहा है. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पांटिंग, कहती वो सारा दिन एक कपड़े के ऊपर पड़ा रहता है और पांटिंग करते रहते हैं, यानी उसको सांस नहीं आती, यानी कि सांस बड़ी मुश्किल से लेता है. पांटिंग मतलब सांस बड़ी मुश्किल से लेना. Didn't want to go for walk, didn't want to do anything. ना तो वॉक पे जा रहा है और ना ही वो कुछ करना चाहता है. I had made my plans in advance. डॉक्टर हैरियट को पहले ही पता था, कहता मैंने प्लान एडवांस में ही बना रखा था. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, कहता एक ही प्लान तरीका था कि ट्रिको को कैसे ठीक किया जा सकता था, उसको उसके घर से निकाला जाए वहाँ से, क्योंकि ये पता ही था कि वो जो मिसिज पंफ्री है ड्यू टू हिज हर लव वो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है, ज़्यादा केयर करती है, पैम्पर करती है, जिससे वो ज़्यादा मोटा हो गया है, उससे चला भी नहीं जा रहा ट्रिकी से. आई सजेस्टेड दैट ही इज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. तो उस डॉक्टर हैरियट ने उसको सजेस्ट कर दिया कि इसको हॉस्पिटलाइज करो, मेरे पास छोड़ो 15 दिनों के लिए और मेरी ऑब्जर्वेशन में छोड़ो इसको, ताकि मैं इसको देख सकूं कि ये क्या कर रहा है, कैसे इसका इसके मेरी ऑब्जर्वेशन में रहेगा तब ये ठीक हो पाएगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वूंड, जो मिसिज पंफ्री थी बेहोश ही हो गई थी, ऑलमोस्ट फेंट हो गई, कि शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट वॉन्ट डिड नॉट सी हिम एवरी डे. तो मिसिज पंफ्री ने कहा कि वो मुझे रोज़ ना देखेगा तो वो तो मर ही जाएगा. बट आई टुक ए फर्म लाइन, मैंने बड़े पक्के इरादे से कहा, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, इनफैक्ट आई थॉट इट इज बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. तो डॉक्टर हैरियट ने कहा, पक्के इरादे से बोल दिया, कहता अगर ट्रिकी बीमार है एक ही तरीका है, मेरे पास छोड़ दो इसको और ये सबसे बेस्ट है कि आप इसको जल्दी से जल्दी मेरे पास विदाउट डिले बिना देरी किए मेरे पास छोड़ दो. एंड फॉलोड बाय मिसिज पंफ्री वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट कार कैरिंग द लिटिल रैपिंग ब्लैंकेट. तो कहता पंफ्री ने बड़ी क्राइंग करी कि नहीं ऐसा नहीं, बट जो डॉक्टर है वो कार में चला गया और उस डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेट लिया. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, हिज फेवरेट कुशन्स, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट वॉल्स, लंच वॉल्स, सपर वॉल्स. तो कहता है जब मैंने उसको लेने गया, डॉक्टर कह रहा है कि सारा स्टाफ जो कि उसकी सेवा करता था डॉग की, जो उनकी नौकरानियाँ थी नौकर थे, कोई बेडशीट लेके आ रहा है, कोई नाइट बेडशीट ला रहा है, कोई उसके फेवरेट सिरहाने लेकर आ रहा है, कोई खिलौने, कोई रबड़ की रिंग्स, कोई ब्रेकफास्ट का बाउल, कोई लंच का बाउल, कोई रात के खाने यानी सपर मतलब नाइट डिनर का बाउल्स लेके आ रहा है. तो वो देख के बहुत हैरान हुआ. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने देखा कि भी ये तो बहुत ज़्यादा सामान है और मेरी गाड़ी सारा सामान नहीं उठा पाएगी. एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चलने लगा, मिसिज पंफ्री विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल ऑकवर्ड्स थ्रू द विंडो. कहते जैसे ही मैंने चलने लगा तो जल्दबाजी में डिस्पेयरिंग क्राई, इसने एक रोने की जैसे आवाज़ आई हो पंफ्री से, उसने एक भरे हुए
आर्मफुल अपने हाथों में पूरे भर के कुछ कोर्ड्स हैं वो विंडो से यानी कार की विंडो से अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वाज इन टियर। मैंने देखा कि सारे लोग रो रहे थे ट्रिकी के जाने से, वो सभी जो नौकर भी थे वो भी उससे इतने अटैच थे ट्रिकी से कि वो भी रोने लग गए। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat beside me. I patted the head and Tricky made a brave effort to wave his tail. Poor old lad. तो कहता है मैंने जब मैं कार चला रहा था तो मैंने pathetic little animal उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। I patted, मैंने उसको head उसके सिर पे pat किया और Tricky ने भी effort किया अपनी पूंछ हिलाने के लिए। I said, you haven't a kick in you. But I think I know a care for you. कहता है कि मुझे पता है तुम्हें अभी इस समय ठीक नहीं हो लेकिन मैं मेरे पास तुम्हारे इलाज है, क्योर है मेरे पास तुम्हारा। At the surgery, the household dog searched around me. Tricky looked down at the noisy pack with the lies and when I put down. तो कहता है Tricky को जब वो अपने घर लेके गया जहाँ डॉग्स ने उसको सराउंड कर लिया घेर लिया सर उसके आसपास खड़े हुए, Tricky ने सबको देखा एट द नॉइजी पैक को भीड़ की तरफ देखा जो शोर कर रहे थे डॉग्स और बड़ी ही डल आइज के साथ उन्होंने उस ट्रिकी ने उनको देखा। वैन पुट डाउन लेस मोशन लेस ऑन कैब कारपेट, कारपेट पे रखा तो उसने कोई भी मोशन नहीं किया, मोशन लेस मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं की। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड डिसाइडेड दैट ही वॉज एन अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो डॉग्स ने उसको स्निफ किया, सूंघा, जैसे डॉग सूंघते हैं कोई भी आता है तो डॉग्स ने उसको सूंघा, जब देखा कि वो तो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा थोड़े सेकंड के लिए और उन्होंने डिसाइड किया कि ये डॉग तो बड़ा अनइंटरेस्टिंग है इसके साथ क्या फायदा खेलने का, उसको इग्नोर किया डॉग्स ने जो वहाँ डॉक्टर हैरियट के पास थे। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट। कहता मैंने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर ढीले से बॉक्स के अंदर उसका एक रहने के लिए प्लेस बनाया गर्म एंड जहाँ और डॉग्स भी सोते थे। फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन, मैंने दो दिनों तक उसको बड़े ध्यान से देखा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, तो मैंने क्या किया, डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने दो दिन तो उसको कुछ नहीं खाने को दिया, पानी दिया, बहुत पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। कहता जैसे ही दूसरा दिन खत्म होने लगा तो उसने आसपास जो सराउंडिंग्स थी आसपास में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। On the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो तीसरे दिन उसने थोड़ी सी आवाज़ whimper मतलब थोड़ी क्राई की आवाज़ निकालनी शुरू की और डॉग्स को सुन के आसपास। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. जैसे ही ट्रिकी ने थोड़ी सी मूवमेंट करनी शुरू की तो सारे जो वहाँ डॉग था जैसे जो नाम से एक डॉग था जो ग्रे हुंड नाम की एक जैसे ब्रीड का था उसने उन्होंने और उसके फ्रेंड्स ने उसको घेर लिया उसके आसपास घूमने लगे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, उसके साथ उसके ऊपर रोल करने लगे, उसके साथ खेलने लगे, उसका निरीक्षण करने लगे डॉग्स। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन ट्रिकी फॉरवर्ड, तो डॉग्स सारे गार्डन की तरफ चले गए, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि उसके ऊपर एक सरप्लस फैट था यानी ज़्यादा फैट हो गया था उसका उसकी बॉडी के ऊपर। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, आई वॉच्ड व्हाइल टेरिस्टन स्लॉग्ड द फूड इनटू द बाउल्स। मैंने देखा एक डॉग था जो खाना खा रहा था और इधर उधर फेंक रहा था। देर वॉज एन अनयूजल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई पिच्ड ईटिंग, कहते हैं कि एक शोर था रश था क्योंकि बाकी डॉग्स जो डॉक्टर हैरियट के पास थे वो शोर कर रहे थे और एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड अदर्स ही वाज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो उसने डॉग्स को सभी को पता था कि अगर हमने खाना नहीं लिया टाइम से तो हमें बाद में और कंपटीशन करना पड़ेगा बचे हुए खाने के लिए। तो स्टूडेंट आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कैसे जो ये आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रिकी है और बाकी डॉग ये खेल डॉग्स के साथ वो खेलना उसने शुरू कर दिया तीसरे दिन। When they had finished, Tricky took a walk around the shining walls, looking casually inside in one or two of them. तो ट्रिकी ने भी राउंड लेना शुरू किया जो शाइनिंग वॉल्स थे चमकते हुए जो बर्तन थे बाउल्स थे उनमें उसने उसको लिकिंग करने लगा उसको चाटने लगा
वन एक को फिर दूसरे को, नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बाउल मैंने रख दिया, डॉक्टर कहता है, एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टू वर्ड्स, तो मैंने जब देखा एक और बाउल मैंने रखा एक्स्ट्रा, तो मैंने देखा कि टिकी भी जोर लगा रहा था, जॉस्टलिंग मतलब धक्का मुक्की करके आगे पहुँचने की कोशिश कर रहा था खाने के लिए. From then on his progress was rapid. तभी से मैंने देखा कि उसकी प्रोग्रेस है, उसकी हेल्थ सुधरनी शुरू होगी रैपिड, तेजी से उसमें प्रोग्रेस आई. He had no medicinal treatment of any kind. मैंने उसको कोई दवाई नहीं दी, but all the day he ran about with dogs. कहता है कि वो डॉग्स के साथ घूमता रहता था, joining in their friendly scream और वो उनके चीखने चिलाने के साथ उनका साथ देता रहता. He discovered the joys of being बॉल्ड ओवर, और जब उसको फेंक देते थे, धक्का मार देते थे, ट्रेंड एंड स्क्वैशिंग एवरी फ्यू मोमेंट्स मिनट्स, थोड़े थोड़े टाइम बाद जो डॉग्स हैं उसके धक्का देते रहते, उसके साथ खींचते खींचादानी करते, और उसको ये चीज़ पसंद आने लगी, जॉय आने लगा, उसको आनंद आने लगा इसमें. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ गैंग, वो गैंग जो डॉग्स की थी उसका एक मेम्बर वो बन गया. एज अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और जो बाकी डॉग थे वो उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जो उसके सिल्की जो, क्योंकि उसको अच्छा खाना दिया जाता था, उसकी सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वो छोटा सा सिल्की ऑब्जेक्ट नज़र आता था और अपने खाने के लिए हंट करता था, लड़ता था. फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर ऑफ मील एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट द नाइट, और ट्रिकी ने वो और क्या करना शुरू कर दिया, रैट्स को शिकार करना शुरू कर दिया रात को हैन हाउस के अंदर. ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसको कभी भी ऐसा टाइम नहीं मिला था कि जब वो डॉग्स के साथ था या वो हंटिंग करता था तो उसको बड़ा अच्छा लगने लगा. ऑल द वाइल मिसिस मंफ्री होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, तो इतने में जो मिसिस मंफ्री थी वो भी बड़ी चिंतित रहती थी, वो कम से कम 10-12 बार दिन में फ़ोन करती थी कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है ट्रिकी के बारे में. आई टोल्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कॉल्ड वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, कहता है कि मैं उन क्वेश्चन को इग्नोर ही कर देता था जब उसने पूछना कि डोज मतलब बचना, कहता कि मैंने वो क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देता था ज़्यादा, जब वो कहती थी उसके क्वेश्चन ठीक हैं कि नहीं, अच्छी तरह से रखे हैं कि नहीं, उसको मौसम के अनुसार सही कोट डाला है कि नहीं, मैं इसको इग्नोर कर देता था. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, तो कहता है कि मैंने उनको कहा कि जो डॉग है ये ठीक हो रहा है, डेंजर से बाहर है, और जल्दी अपना जो कन्वेल्सिंग यानी कि वो जल्दी ही अपनी जो हेल्थ में सुधार हो रहा है उसकी. द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू बी डू समथिंग टू मिसिस मंफ्री, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, तो कहता है कि जैसे ही मैंने इसको कहा भी उसमें सुधार आ रहा है, तो उसने एग्स भेजने शुरू कर दिए, फ्रेश एग्स 2 dozen एट ए टाइम, 2 दर्जन भेजती थी एक समय में, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ताकत बढ़ जाए. फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, तो कहता है कि वो भेजती तो डॉग के लिए थी, और मुझे पता था कि अगर उसको दूंगा तो ये और हेल्दी हो जाएगा, उसको चल फिर नहीं पाएगा, तो कहता हमने मेरे और मेरे स्टाफ ने मेरे पार्टनर्स ने एग्स खाने शुरू कर दिए जो वो डॉग के लिए भेजती थी, तो वो डॉग को नहीं देता था, खुद ही खा जाते थे. बट व्हेन द बॉटल्स, कहता वाइन भी आनी शुरू हो गई, और जिससे सिचुएशन और ज़्यादा हाउस होल्ड के ऊपर आ गई, अब क्या करना चाहिए. इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, वाइन किस लिए भेजती थी मिसिस मंफ्री, कि जो ट्रिकी का ब्लड है वो इनरिच हो जाए, वो उसमें वो उसकी क्वालिटी सुधर जाए ब्लड की. लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील, तो कहता है कि हमारे साथ जो मेरे कंपनी कर रहे थे लोग, उनको एक सेरेमनी हो गई, एक तरह से इंजॉय का समय हो गया कि 2 glass तो वाइन के पीते ही पीते थे, खाने से पहले और खाने के दौरान. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रैंडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए न्यू फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रेवरेंटली टर्न, तो कहता है कि वो हैरानी तो तब हुई जब उसके लिए ब्रैंडी भी भेजनी शुरू कर दी, शराब और ब्रैंडी भेजनी शुरू की, और
टिक्की के लिए, तो फिर हमारे और हमें आनंद लेना शुरू कर दिया और उसको भी हम रात को पीना शुरू कर दिया। यानी डॉक्टर हैरियट ने जो भी वो टिक्की के लिए भेजती थी वो खुद खाता था और उसको बड़े ही लिमिटेड मैनर के साथ खाना दिया जाता था। दे वर द डेज ऑफ डी कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद ए ब्रेंडी। तो कहता वो दिन कैसे चले, सवेरे एक्स्ट्रा एग खाना और दोपहर को वाइन पीना और रात को ब्रेंडी पीना, बड़ा लग्जूरियस यानी ऐश्वर्यपूर्ण समय गुजरना शुरू हो गया डॉक्टर हैरियट का और उसके साथ जो मेम्बर्स थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। कहता एक टेम्पटेशन पैदा होगी, एक हमें ये सोचना पड़ गया कि ट्रिकी को रख ही लें पक्का ही, क्योंकि इसके वजह से हमारे पास खाने को बहुत कुछ आ रहा है। बट आई नो मिसिस मम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्ट नाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो कहता है कि टेम्पटेशन तो उसको पैदा हो गई भी रख लेते हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ें खाने को मिल रही हैं जो मिसिस पम्फ्री डॉग के लिए भेज रही हैं वो हम ही तो खा रहे हैं, तो कुछ दिन और रख लेते हैं। लेकिन डॉक्टर हैरियट ने कहा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, वो भी सफ़र कर रही है इसके बिना, परेशान हो रही है। तो उन्होंने कंपेल किया इस बात ने उसको कि चलो मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ और वो वेट कर रहा है ट्रिकी कि आप मुझे लेने आ जाओ। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कहते कहने की देर थी कि 30 feet 30 feet लंबी चमकती हुई ग्लीम करती हुई काले रंग की कार आके उसकी सर्जरी के बाहर उसके हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हो गई। द शोफर ओपन द शोफर नो जो ड्राइवर होता है शोफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर मिसिस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर हर लिप्स ट्रेम्बल्ड ओह माय मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ इज ही रियली बेटर। तो मिसिस पम्फ्री जैसे ही बाहर निकली तो मिसिस पम्फ्री ने कहा ठीक सच में मेरा जो ट्रिकी है वो ठीक है। यस ही इज फाइन ही देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार आई विल गो एंड फेच हिम। तो मिसिस पम्फ्री को कहता है कि आप बाहर मत आओ, कोई नहीं मैं ही आपको डॉग आपके हाथ दे देता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन ए मास ऑफ डॉग वॉज हर्सलिंग अराउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन दिस देयर मिडेस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल्स वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। कहता मैंने जब देखा वो डॉग्स के साथ खेल रहा है, अपनी टेल को फ्लैप कर रहा है, हिला रहा है और उस सबके बीच में एक ट्रिकी सबसे अलग चमक रहा था, गोल्डन फिगर बड़ा सुंदर नजर आ रहा था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ लीन हार्ड मसल्ड एनिमल। कहता थोड़े ही दिनों में वो एक अच्छा हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ए ग्रेट बोन्स हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड मतलब चेस्ट उसकी जैसे लग रही थी कि ग्राउंड को ब्रश कर रही हो वो उस यानी कि धीरे धीरे जो ट्रिकी की हेल्थ है वो ठीक हो गई थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट हाउस द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड वेन ट्रिकी सा मिस्टर्स ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसिस पम्फ्रीज लैफ। कहते हैं कि जैसे ही उसने देखा कि मिसिस पम्फ्रीज को लेने आई है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वो सीधा वो जंप मार के मिसिस पम्फ्री की लैब में जो गोद में जाकर पहुंच गया बैठ गया। मिसिस शी गेव ए स्टार्टिंग ओ एंड दे देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज स्वार्म्ड ओवर हर। कहता कि जो ट्रिकी है वो एकदम से उसके ऊपर छलांग लगाई, जितनी जोर से उसको करने लगा उसके फेस को और भौंकने लगा कि मिसिस पम्फ्री को अपने आप को बचाना पड़ा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कुशंस कोट्स वॉल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। कहता कि मैं जो मिसिस पम्फ्री ने उसका बेड दिए थे टॉयज बेड दिया था टॉय दिए थे कुशन दिए थे कोट्स दिए थे और बर्तन दिए थे कोई भी मैंने यूज़ नहीं किया था ट्रिकी के लिए। एज द कार मूव्ड अवे मिसिस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो टीयर शोन इन हर आइज हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। कहता जैसे ही गाड़ी जाने लगी तो मिसिस पम्फ्री ने बाहर खिड़की से देखा, उसकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए और उसके लिप्स हैं जो ट्रेम्बल करने लगे कांपने लगे। ओह मिस्टर हैरियट शी क्राइड हाउ कैन आई एवर थैंक यू। कहती मैं आपको कैसे थैंक यू कर सकती हूँ, दिस इज ए टाइम फॉर सर्जरी। उसने कहा कि ये जो
जो ये आपने किया है ये सर्जरी की जीत है, आपके हॉस्पिटल की जीत है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो मैंने आपको कराया है। स्टूडेंट्स एक बार मैं शॉर्ट में फिर बता देता हूँ कि इस स्टोरी में टिक्की नाम से एक डॉग है जिसकी जो मिस्ट्रेस है या मालकिन है वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाती है जिससे उसको वो बहुत हेल्दी कर देती है, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और जिसकी वजह से वो बीमार रहने लग जाता है। तो डॉक्टर हैरियट उसको अपने पास रखता है डॉग को और उसको खाने के लिए बहुत लिमिटेड देता है, जो मिसिस पंपरी देती है वो उसको कुछ भी नहीं देता और धीरे धीरे 10-15 दिन के अंदर उसकी हेल्थ को ठीक कर देता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मैं आपको इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसके आपके ग्रुप्स में भी डाल दूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, बड़े ही ध्यान से सभी पढ़ाई करें। थैंक यू।